हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएक्स एके फार्मेसी में। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आप लोग का एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट फिफ्थ के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जिस सिलेबस में हमारे कौन कौन से रिएक्शन है, देखिए इसमें मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, जिसमें हम NaBH4 LiLH4 की मदद से रिडक्शन कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्लिमेंथल रिडक्शन है। उसके बाद बिर्क रिडक्शन है, उल्फ किसनर रिडक्शन है, ओफनोर ऑक्सीडेशन, डेकेन रिएक्शन है, बेकमेयर रीअरेंजमेंट है, स्मिथ रीअरेंजमेंट है एंड क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो हम इस रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे, सबके एक एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, लेकिन हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए हम सोचे कि इस वीडियो को एक बार आपके सामने अच्छे से सारे रिएक्शन को दिखा दें ताकि आप लोग भी एक बार सारे रिएक्शन को अच्छे से देख सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, जिसके हम दो रीजन की मदद से करते हैं, NaBH4 और LiLH4। तो पहले हम बात करेंगे NaBH4 से। देखिए NaBH4 जो होता है इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसे फर्स्ट प्रिपेयर पहले बनाया जाता है सोडियम हाइड्राइड NaH और ट्राई मेथिल बोरेट के साथ रिएक्शन करके हम सोडियम हाइड्राइड NaBH4 को बना लेते हैं। और जैसे कि पता है NaBH4 जो होता है लेस रिएक्टिव होता है LiLH4 से। ओके, इट इज ओनली पावरफुल इनफ टू रिड्यूस, क्या करता है, रिड्यूस करता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड को किसी में रिड्यूस कर देता है, एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। सिंपल सा यही आपको याद रखना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है किसको किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। ओके, और जो हमारे वन जो एल्डिहाइड होता है इसमें भी रिड्यूस कैसे करेगा, अगर एल्डिहाइड हमारा रिजेंट होगा तो इसको रिड्यूस करेगा हमारा NaBH4 वन डिग्री एल्कोहल में। ओके, और जो कीटोन ग्रुप होगा इसको रिड्यूस करेगा टू डिग्री एल्कोहल में। इतनी बात याद रखना, जो एल्डिहाइड होगा वन डिग्री एल्कोहल में, कीटोन टू डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, हमारा एक कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड साथ कराते हैं तो हमारा देखो रिड्यूस होके बन रहा है एक प्राइमरी एल्कोहल, जिसे बोलते हैं वन डिग्री एल्कोहल। ठीक, जो OH ग्रुप हमारे पहले कार्बन से लगा होता है उसे वन डिग्री बोलते हैं, अगर OH ग्रुप हमारा दो कार्बन अगल बगल रहे उसे टू डिग्री बोलते हैं। इसी तरीके से कीटोन हमारा जब सोडियम बोरोहाइड्राइड साथ रिएक्शन करेंगे तो किसे बदलेगा, कीटोन ने बताया था टू डिग्री एल्कोहल बदलेगा। देखिए ये जो एल्कोहल ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है और ये जो कार्बन है अगल बगल दो कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे टू डिग्री एल्कोहल। तो ये क्लियर हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट चलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4। इसमें देखो ये जो होते हैं वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और एक पाउडर या पैलेट के फॉर्म पाए जाते हैं। यूज एज सस्पेंशन इन ईथर एट THF एंड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर एल्कोहल। एक THF या ईथर या वाटर या एल्कोहल के सस्पेंशन में यूज किए जाते हैं और रिड्यूस करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस्टर को और ए नाइट्राइल एमाइड एरिल नाइट्रो ग्रुप को एमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिटिलीन को ओलिफिन में एंड जो CX बॉन्ड ओपन कर देते हैं इपॉक्साइड। ओके, आगे LiLH4 जो होता है एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 की तुलना में, क्योंकि इसके पास क्या होता है वीकर एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए LiLH4 की, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो हमारा देखिए क्या बन रहा, प्राइमरी एल्कोहल बन जा रहा है। ठीक, तो ये भी रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्लिमेंथल रिडक्शन। क्लिमेंथल रिडक्शन क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में से वेन रिड्यूस करते हैं विथ एमलगम बोले तो मरकरी और जिंक के साथ विथ कंसनट्रेट HCl तो हमारा एल्केन बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लिमेंथल रिडक्शन। यहाँ देखिए हमने कौन सा कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड को जब हम क्लिमेंथल रिडक्शन करते हैं तो हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। ओके, जब एसीटोन का हम क्लिमेंथल रिडक्शन करते हैं जिंक का एमलगम HCl के साथ हमारा क्या बन गया, प्रोपेन।
मतलब जो हमारा यहाँ पर ये ग्रुप है, ये यही हमारा रिड्यूज मतलब रिड्यूज होके कन्वर्ट हो जा रहा है सी एच थ्री में, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप जो सी ओ ग्रुप हो रहा है ये रिड्यूज होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है सी एच टू में। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिग रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन विथ लिथियम आर सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री ईल्ड क्या बनाता है, ट्रांस एल्किन बनाता है, जिसे बोलते हैं बिग रिडक्शन। यहाँ देखिए हमारा एल्काइन ग्रुप है, इसको जब सोडियम या लिथियम या लिक्विड एन एच थ्री से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ट्रांस एल्किन बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्फ किस्नर रिडक्शन, इसे बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन बाया करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन्स, हाइड्राजोन से बदलेगा या सेमी कार्बोजोन अंडर द बेसिक कंडीशन, उसके बाद हम बेसिक कंडीशन में बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे और इसे कहते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। यहाँ देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया NH2। ओके क्या बन गया, हाइड्राजोन बन गया। उसके बाद हमने फिर इसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया और हमारा बन गया एल्केन। कुल मिलाकर के इसमें जो क्या करना है, आपको CO ग्रुप को हमें कन्वर्ट कर देना है CH2 ग्रुप में। ओके और जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है वो बनता है हाइड्राजोन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ओपनर ऑक्सीडेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन, इसमें सेकेंडरी एल्कोहल को बदल देते हैं कीटोन में। ओपनर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी एल्कोहल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। बाई सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रोसेस में, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कौन सा रिएजेंट किसमें यूज किया जाता है। देखिए इसमें हमने सेकेंडरी एल्कोहल को लिया और किसमें बदल दिया, टर्शियरी मतलब सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल को हमने बदला कीटोन में। ओके नेक्स्ट है डेकिन रिएक्शन, डेकिन रिएक्शन क्या होता है, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें आर्थोन पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड बेंजाल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ एल्कलाइन कंडीशन में और क्या बनाता है, बेंजीन डाईऑल बनाता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन टू करस्पॉन्डिंग फिनोल, इसे बोलते हैं डेकिन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, कीटोक्साइम ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड कैटलिस्ट, जब कीटोक्साइम को हम ट्रीटमेंट करते हैं एसिड कैटलिस्ट के साथ, जैसे एसिड कैटलिस्ट कौन कौन हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 PCl5 H3PO4 SOCl2 C6H5 SO2Cl एक्सेट्रा, ये जाते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट पे और बनाते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। ओके यहाँ पर रिएक्शन देखिए, हमने लिया एस्टॉक्साइम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया और हमारा बन गया एल मेथिल एस्टामाइड। ओके चलते नेक्स्ट, स्मिथ रीअरेंजमेंट, दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय नामी था फ्रेडरिक स्मिथ, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्मिथ रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, जो एजाइड ग्रुप होता है और न्यूक्लियोफाइलिक होता है, इसके जो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम होते हैं और ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं सुटेबल एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल और फिर होता क्या इसमें कार्बोनिल कंपाउंड टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन, ये सब क्या देते हैं, एमाइन नाइट्राइल एमाइड और एमाइंस देते हैं और एक कैटलाइज्ड रिएक्शन कहलाती है हमारी। जैसे देखिए अगर हम एसिड का स्मिथ रिएजमेंट कराते हैं तो हम एजाइड के साथ तो हमारा एमाइन बनता है, एसिड वाले में एक कार्बन लेस कंपाउंड बन जाता है, देखिए इसमें एक कार्बन था यहाँ पे लेकिन इसमें एक कार्बन लेस कंपाउंड बन जाएगा, सी डबल ग्रुप पूरा गायब हो जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा NH2 ग्रुप एमाइन। अगर हम एल्डिहाइड को लेते हैं तो नाइट्राइल बन जाएगा, अगर हम कीटोन को लेते हैं तो हमारा एमाइड बन जाएगा, अगर हम टर्शियरी एल्कोहल को लेते हैं तो एमाइन बन जाएगा और एल्कीन को लोगेंगे तो इसमें भी एमाइन बन जाएगा। ओके ये है स्मिथ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्लेजन स्मिथ क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें क्या किसके बीच रिएक्शन कराते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच, एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन के रिएक्शन कराते हैं बेंजाल्डिहाइड के साथ, और ऐसे एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसमें क्या हो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पर। ओके और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इसमें जो रिएजेंट चूज लेते हैं डाइल्यूट एल्कली लेते हैं। इसमें देखिए हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया, बेंजाल्डिहाइड से रिएक्शन किया और हमारा क्या बन गया, सिनेमैल्डिहाइड।
तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में जो नाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉरी नाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिएक्शन थी वो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के एमसीक्यू के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।